सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आज आप मऊरानीपुर आए हैं, किस प्रत्याशी के लिए आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? ऐसा है, हम 17 नवंबर 2021 को समाजवादी छोड़कर हम बीजेपी में सम्मिलित हुए थे। आज जो मऊरानीपुर में आपकी डॉक्टर रश्मि आर्य प्रत्याशी हैं, वो अपना दल SC प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव चिन्ह कंप्लीट 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 है। चूँकि संयुक्त प्रत्याशी हैं और हम लोग डॉक्टर रश्मि आर्या को हजारों हजार मतों से जिताने के लिए अपने शुभचिंतकों से अपील करने आए। अच्छा, तो एक चीज़ और हम आपसे जानने जाएंगे, आपके ही पार्टी के लोग जो टिकट की लाइन में थे उनके बगावती स्वर निकल आए हैं और इस समय सोशल मीडिया पे जमकर वो वायरल हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उनसे, कितना असर डालेंगे वो? ऐसा है, जब कोई इस रेस से आगे बढ़ जाता है तो मेरे जानकारी नहीं है किसने बगावत की किया है क्या स्वर में जानकारी नहीं है, लेकिन डॉक्टर रश्मि आर्य आपके माध्यम से आज कह रहे हैं, हम जितने गांव गए और जो जानकारी हो रही, चूंकि हम भी MLC हैं, पत्नी रमा रंजन जी, हम भी 9 विधानसभा में जा रहे हैं, कोई विधानसभा नहीं है जहां हमारी पुकार न हो रही हो न जा रहे हो। मैं पूरी देख रहा हूँ यहाँ डॉक्टर रश्मि आर्य मेरे अंदाज से आपका बुंदेलखंड का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन है हमारा कि जैसा कि हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश से गुंडा माफियाओं का सफाया हो जाएगा, क्या हाँ भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किसी प्रत्याशी को टिकट तो नहीं लिया जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल रिकॉर्ड से हो, ऐसा प्रचार के लिए किया कहा गया हो? ऐसा है, हम लोगों की निगाह में तो हम देखो ज़्यादा पूरे प्रदेश की बात नहीं कर सकते, हम 9 विधानसभा के MLC, हम 9 विधानसभा की आपके सामने बात रख सकते हैं। हमारे 9 विधानसभा में हमसे कहा गया, उन 9 विधानसभा में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कैंडिडेट हो वो कोई इस प्रकार की लाइन में हो, वो माफिया हो या क्राइम में हो, ऐसा कोई हमारी जानकारी में नहीं। सर, 9 विधानसभा का आप अपना बताएंगे कौन कौन सी विधानसभा है आपको? बिल्कुल नहीं, शुरू कर दीजिए आप मेहरौनी जी, ठीक है, उसके बाद आइए आप ललितपुर, ठीक है, उसके बाद आइए आप झांसी, बबीना, मऊरानीपुर, गरौठा और आपकी नाम के जो है वो झांसी। सर, जैसा कि अभी सर्वे मीडिया के जालौन में 3 है, जालौन, कालपी और माधोगढ़, 9 हो गए। जैसा मीडिया के द्वारा सर्वे किया जा रहा है गांव गांव जाकर के, तो जो ग्रामीण है, जनता है, विधानसभा अंतर्गत आती है, वो दबी जुबान कुछ आरोप लगा रही है प्रत्याशी पर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, आरोप उन गांव में लगते हैं जहां प्री प्लान पहल से होता है, पहल से लोग अपना प्री प्लान कर देते हैं कि तुम आरोप लगाओ, और वो लोग उस नेचर के भक्त होते हैं, वो प्री प्लान करते हैं, और उसमें कुछ लोग उसमें इस प्रकार के जाते हैं आपके साथी गण ही कि उसको वो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, जो ज़्यादा जहाँ अच्छा काम हो रहा है, अगर आपके कुछ लोग साथी हैं जैसे आप लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं, कोई उसमें एक आधा आदमी ऐसा होता है वो उसको छाल देता है, तो ये सब चीज़ें मीडिया की अच्छी बात भी बहुत जगह होती, कहीं ना कहीं कमी हो जाती तो लोगों की नज़र में आ जाती है। तो क्या लग रहा है आपको कि जो आपके विपक्ष के लोग लगे हैं प्रत्याशी को हराने में, कितना कामयाब होंगे? मेरे अंदाज से उससे तो हमें फायदा होगा, अगर क्योंकि जब कोई गाड़ी तेज चलती है उसमें ब्रेक लगाने की कोशिश करती है तो ड्राइवर सोचता है इसको हम कैसे निकले, तो उसी प्रकार डॉक्टर रश्मि आ रहे हैं तेज निकल रहे, कोई रोकने की सवाल ही नहीं उठता। जैसा कि मऊरानीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस का गठबंधन हुआ है, लेकिन भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और आज की डेट में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जी आपसे छिपा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट का निर्णय या गठबंधन का निर्णय भारतीय जनता पार्टी बहुत मंथन से करती है, वो लीडरशिप ऊपर से निर्णय करती है क्या होना है, और मुझे लगता है कुछ ऐसे ही होंगे पुराने कार्यकर्ता, बीजेपी की बहुत
क्या नाम के संगठन के प्रति उनका विश्वास है, संगठन जिसको टिकट देता है उसको वो चलते, हो सकता है एक आध दो लोग होंगे उनसे बात कर ली जाएगी, कोई समस्या नहीं है। संतुष्ट है यहाँ के पदाधिकारी बीजेपी के हैं? अगर संतोष ना होते तो यहाँ क्यों सबके साथ चलते? नहीं, कुछ पदाधिकारी अभी ऐसे हैं जो नहीं निकल रहे हैं घरों से। चलो तो अगर नहीं नहीं, जैसे आप लोगों ने आज जानकारी दी है तो हम शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे, कल ही बात करेंगे सुबह कि साहब कुछ हमें ऐसी बात मिली है, तो अगर ऐसी जानकारी होगी जो शीर्ष होंगे उनसे बात की जाएगी, उनको मनाया जाएगा क्या गलती होगी हम लोगों से। इससे पार्टी विधानसभा को कोई झटका लग सकता है या कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, ये तो झटका ही सवाल छोड़ा, झटका तो आप मेरे तरफ से आज भविष्यवाणी कर दो या ये मीडिया की तरफ से, हम बता रहे हैं मिनिमम 50,000 से ऊपर की जीत होगी, ये आप नोट कर लो। ये आर पी रंजन लमन रंजन के प्रतिनिधि जो भविष्यवाणी की है पूर्व धरातल से, इसको आप नोट कर लो। जो लोग पार्टी के विरोधी में लोग गतिविधियों में काम कर रहे हैं क्या उनका निष्कासन होगा? ऐसा है, हम इतने बड़े पावर में नहीं है, वो रिपोर्ट ऊपर भेजेंगे यहाँ के जो हमारे प्रभारी हैं, तो क्या निर्णय होता है वो करेंगे। हम तो अपने एक MLC हैं, प्रतिनिधि अभी आए हैं, हम इसमें निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ना हम कोई रिपोर्ट दे सकते। अच्छा, आपको मऊरानीपुर विधानसभा में क्या हालात दिख रहे हैं, टक्कर किससे है? मुझे नहीं लगता वो दोनों लोग सेकंड थर्ड में कौन लड़ रहे हैं, फर्स्ट तो हम लोग सीधे आगे हैं ही। अच्छा। अब सेकंड थर्ड में दोनों कौन आ रहे हैं, वो दोनों लड़ रहे हैं अपना सेकंड थर्ड में, बस हम लोग मतलब नहीं आ रहा। रस्म है नंबर फर्स्ट का भ्रमण किया, क्या स्थिति है आज? आज हमने 8 गाँव का किया, तो मुझे नहीं लगता था कि हमारे प्रति हमारे शुभचिंतक इतना विश्वास रखते हैं। शायद हम 2 गाड़ी लेके निकले थे और हम पीछे गाड़ी नहीं गिन पाए कितनी गाड़ी हुई, ईमानदारी और गांव में गए तो हम पीछे देखते थे तो वो सैकड़ों आदमी पीछे। लेकिन मैंने आज एक बात जरूर की कि मैं गांव में गया, पूरे गांव घूमा, जिन जिन गांव में गया, चाहे स्यावरी हो, चाहे बड़वार हो, चाहे का नाम क्या आपका पंडुआ हो, चाहे बेला हो, चाहे धवारी हो, जितने भी गांव में, जब हम कोई घर नहीं छोड़े, हर धैर्य को मैंने नमस्कार किया। हमने चाय भले ही किसी के यहाँ पी ली हो लेकिन हमने पूरी धैर्य को नमस्कार किया। ये नहीं कह सकता SC BC जनरल या उस गांव का मुखिया या गरीब कि RP निरंजन हमारे दरबार नहीं आए। अच्छा, समाजवादी पार्टी द्वारा आपके ही प्रत्याशी के समर्थकों को प्रचार करने से रोका गया है, तो उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, तो क्या कहेंगे इस पर? इससे तो जो रोकता है उसके तो विपरीत एक्शन होता है, अगर उन्होंने रोका है तो हमारे शुभचिंतक उसको और बढ़ चढ़ के करेंगे। नहीं, हम तुम अगर ये चीज बदमाशी कर रहे हो, क्योंकि बदमाशों की पार्टी है, हम तो उसमें रहे, हम ज़्यादा कौन जानता है। अच्छा, हमसे ज़्यादा कौन जानता है समाजवादी पार्टी के बारे में कि वहाँ पक पक पे भरी है। आज ही चर्चा करने लगे, एक सरकार अगर बनेगी तो शीशम बेचेंगे, जे कब्जा करेंगे, फिर हम जे करेंगे, प्लानिंग बन लगे उनकी, उससे बढ़िया पार्टी कौन है? जैसे रश्मि आर्या जी पूर्व विधायक रही हैं, उनके ऐसे क्या कार्य थे जिसके आधार पर पवन? सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।